Hey guys, welcome back to another vlog. You are watching Khushi's Life. तो guys, आज मैं हूँ अकेली. मैं और अथर्व अकेले हैं पूरे घर के अंदर. ये ना पूरे में शैतानी करता घूम रहा है. देखो देखो उसको. Hello, hero. Smile कर रहा है. और guys की तबीयत थोड़ी बहुत सुधार है, मतलब बस थोड़ा बहुत ही ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है. तो अभी मैं और अथर्व अकेले हैं. मम्मी पापा गए हुए हैं खाटू श्याम और उसके पापा गए हैं ड्यूटी. तो सारा कुछ हमें मैनेज करना है अकेले. तो आज का व्लॉग पूरा का पूरा इसी पे होगा कि अथर्व और मैं जब अकेले रहते हैं घर में तो क्या क्या करते हैं. तो गाइस लेट्स गेट इनटू अ वीडियो. वीडियो को एंड तक देखना. अथर्व और मैं अकेले होते हैं ना तो मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है. वैसे तो देखो दीदी आके कर देती है सारा काम. मैं खामखा भी क्यों बोलूँ कि मैं ही सारा काम करती हूँ. बट क्या सीन होता है ना, अथर्व की चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ती है. जैसे कि उसका खाना रेडी करना, उसके लिए मिल्क रेडी करना, ये सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं. तो अभी अथर्व को मैंने वॉकर बिठा दिया ताकि मैं मेरे हाथ फ्री हो जाए. वरना ये हाथ की गोदी में है और मैं इसको बेड पर छोड़ नहीं सकती क्योंकि इसका गिरने का बहुत ज़्यादा डर है. तो अभी अपने वॉकर में बिठा दिया मैं इसको. थोड़ा सा ही फ्रेश भी हो जाएगा तो उसको ये फील ना आएगी हाँ इनको बेड पर बैठा रखा है. तो थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश करने के लिए मैं इसको वॉकर बिठा दिया. इसको वॉकर पर बैठ के घूमना ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश रहता है. क्योंकि ये जब क्योंकि चीज़ों को भी खेलता रहता है ना तो उसके माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है. तो मैं इतने इसका खाना बना लूँगी और इसका पानी वानी गर्म कर लूँगी, इतने ही थोड़ा घूम फिर लेगा. और अगर आप लोग भी अकेले रहते हैं ना तो वॉकर सबसे बेस्ट है आपके लिए. मतलब बच्चे को वॉकर में बिठा दो. ये देखो बच्चा, ये बच्चा मेरा बहुत बुरा है. छोड़, डस्टिंग का कपड़ा ले रहा है. तो बच्चे को वॉकर में बिठा दो और आप अपना काम कर लो. हाँ बस ये है अपनी नज़रों के सामने, क्योंकि जब ये वॉकर में बैठता है ना तो ये हर जगह घूमता है और कुछ भी सामान जो इसको मिलता है उसको फेंक देता है. तो अपने नज़रों के सामने रखो बस. गाइस ये बच्चा इतना शैतान है ना, सारे के सारे पौधों को निकाल निकाल के फेंक देता है ना. अब ये ना है तो फेक प्लांट. मम्मी ने ना इसको रियल लगने के लिए मिट्टी भी भरी हुई है. तो सारी मिट्टी यहाँ सारे में कर देगा. डॉक्टर ने तो मैं इनको ना वापस से पैक करके रख देती हूँ. इतना रोया ना, वो दवाई लेते टाइम बहुत ज़्यादा. इस चेयर के ऊपर बैठ के मैं आरू को सुनाती हूँ. और जब मैं फसल गई थी अली चेयर नीचे ना तो आरू ने मुझे बहुत तंग किया. प्लस जब तो बेचारे को बुखार भी था तो चेयर का नहीं उसके बुखार का कसूर है. देखो स्पून डाली हुई है इसमें. इतना खुला हुआ ये पता नहीं जाएगा भी कैसे. एंड गाइस मेरे से ना बहुत लोग पूछते हैं कि आप अपने बेबी को कौन सा फॉर्मूला फीड देते हो. तो गाइस ये है नैन प्रो. अभी इसका पहले स्टेज वन चला था, अब स्टेज टू चल रहा है. ये नैन प्रो स्टेज टू. आरू देख रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है. तो इसका फॉर्मूला मैंने भर दिया इसमें. हवा है कि इसको ना पन्नी के साथ ही रखना चाहिए. बट पन्नी के साथ ना ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है. जब भी ये स्पून भर के निकालते हैं फॉर्मूला की तो ये पन्नी में से ना बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है पन्नी के साथ. तो मैं तो पन्नी के बिना एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ इसको. गाइस अभी आरू सोने के लिए कर रहा है तो मैं इसको ना पहले सुला दूंगी और फिर इसकी डाइपर वगैरह का मुझे आज बहुत सारा काम है. क्योंकि मैं ससुराल गई थी तो सारा सामान इसका मैसी हो गया, इधर को उधर हो गया. तो मुझे वापस वहीं पर जगहों पर रखना पड़ेगा ताकि मेरे को ईजी हो जाए सब चीज़ें. तब ये सो रहा है. ये जब सोएगा तो मैं करूँगी नहीं क्योंकि फिर इसको खुटखुट होती है ना तो ये उठ जाता है. तो जब ये सोकर उठेगा फिर हम लोग करेंगे. अभी तो मैं इसको सुला रही हूँ. हाय गाइस, तो आरू उठ गया है. आरू ने मुझे कुछ भी काम नहीं करने दिया, कुछ भी व्लॉग नहीं बनाने दिया. बट अब मैं उठ के बनाऊँगी और आरू का भी सारा काम करूँगी. इसकी तबीयत ख़राब थी ना तो उसको रिलैक्स होना भी ज़रूरी था, है ना गिड्डू. अभी भी नींद में ही है नींदू भी हो ना. थोड़ा सा प्रमोशन का काम है तो अभी मैं वो वाला काम कर लेती हूँ. मुझे इस वाले ब्लॉग से पहले वो वाला प्रमोशन का डालना है तो अभी मैं वो वाला काम कर लेती हूँ. ऐसे को देख रहे हो आप. तो ये भी जस्ट अभी उठ गया है तो इसको मैं थोड़ी देर वॉकर पे घुमाऊँगी, थोड़ा बग्गी में घुमाऊँगी ताकि ये फील बेटर करे. और मैं इतना अपना काम कर लूँगी प्रमोशन का, घर का काम सारा हुआ हुआ है. एंड गाइस ये वाला रूम भी सारा क्लीन हो चुका है. मैं जब ससुराल गई थी तो मेरी मम्मी ने सारे के कपड़े लगा दिए. वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं, है ना आलू. तो उन्होंने इतने मैं गई इतने उन्होंने सारे कपड़े लगा दिए. बस अभी थोड़ा सा मैसी है, चादर वगैरह बिछानी है तो कर ही लेंगे हम. और अभी मैं इसका प्रमोशन करने जा रही हूँ. टू बी ऑनेस्टली गाइस, मेरा भाई ना मामा के प्रोडक्ट पहले खुद से ख़रीदता था. मतलब जब मेरा प्रमोशन का काम नहीं था वो खुद से परचेस करता था. तो मैं उसकी ना प्रोडक्टों को यूज़ करती थी. तो यार उसके प्रोडक्ट क्या मस्त होते थे. मतलब यार मैंने उसके विदाउट प्रमोशन भी बहुत प्रोडक्ट यूज़ करे हैं मामा अर्थ के. और अब तो प्रमोशन में यूज़ करती हूँ
यार इसके सारे ही प्रोडक्ट ना बहुत अमेजिंग होते हैं सीरियसली। इसका फेस वॉश, इसकी मतलब सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग होती है सीरियसली, सच बता रही हूँ। और गाइस आज ना मैंने एक नया सीरम यूज़ किया अपने फेस पे, अच्छा लग रहा है ना, ग्लो आ रहा है एकदम। वैसे तो मैंने कल फेशियल भी लिया था हाइड्रा फेशियल, तो मे भी उस वजह से भी हो, बट अभी थोड़ी देर पहले तो इतना था नहीं जितना अब आ रहा है ना। अभी मैंने एक सीरम अप्लाई किया है, अभी ये प्रमोशन का ही आया था। मुझे पहले ट्राई, मैं ना पहले चीज़ें ट्राई करती हूँ अपने फेस पर, अगर मेरे को सूट करती हैं और मेरे को अच्छा रिजल्ट लगता है तो ही मैं आप लोगों के लिए प्रमोट करती हूँ। तो ये वाला सीरम का भी लिंक आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने ड्राई स्किन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट पूछे हैं कि फाउंडेशन कौन सा और स्किन केयर बताओ, तो ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो उनके लिए मैं एक अलग से पॉलिटिकल ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोग उसको चेकआउट करना। सारी सारी चीज़ें बताऊंगी कि फाउंडेशन कौन सा यूज़ करना चाहिए, कि मैं कौन सा फाउंडेशन चुनूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं फाउंडेशन ही नहीं लगाती थी इनफैक्ट इस वजह से, क्योंकि मेरे को इश्यू हो जाते थे, स्किन फटी फटी हो जाती थी। तो गाइस ड्राई स्किन वालों के लिए ना अब ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट ढूंढ लाई हूँ कि कौन कौन से किस टाइम पर मैं यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई ना लगे। तो वाला ब्लॉग भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। ओके, वैसे अभी ये वाला जो सीरम मैंने यूज़ करा है ना, मैं उसको दिखा देती हूँ कि कौन सा है वैसे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर उसका इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करूँगी, यूट्यूब पे कोई सिस्टम नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखा दूँ इफ़ यू वांट टू बाय, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा तो दैट्स वाई, अदरवाइज का यूट्यूब से कोई प्रमोशन नहीं है। ये वाला सीरम था वो जो मैंने अभी अप्लाई किया, देख रहे हो नोज़ पे भी शाइन है, क्योंकि हाइड्रा फेशियल भी मैंने कराया बट अभी थोड़ी देर पहले, जब तक मैंने ये नहीं लगाया था इतना ग्लो नहीं था, ग्लो था बट इतना नहीं था। आफ्टर अप्लाइंग सीरम क्या ही कहने, मस्त लुक आ रहा है। एंड गाइस मैंने एक और बहुत मस्ती चीज़ ढूंढी, मतलब मेरी ना मम्मी लेकर आई थी जब लास्ट टाइम खाटू श्याम गई थी, और वो है ये खट्टी मीठी इमली। मतलब ये बताओ कि किस किस को बचपन में पसंद थी, मुझे तो बहुत पसंद थी। मैं जब अपने नानी के यहाँ जाती थी, मेरी नानी के यहीं पर मिलती थी, तो मैं उनसे लेती थी 2 रुपये 5 रुपये, और मैं सारी की सारी इमली लेकर आती थी, और अभी भी मेरा इमली के लिए ना क्रेज अलग ही है, तो मैं भी ये खाऊंगी, बहुत अमेजिंग है, वही बचपन वाला टेस्ट है इनका। प्रमोशन का अभी काम कम्प्लीट हो गया, तो मैं बंदर को भी गोदी ले लेती हूँ और अंदर बिठा लेती हूँ, है ना, बहुत घूम लिया तू, देखो सारा सामान भी खिलता फिरेगा। ओए नहीं, मम्मा का बैग नहीं, मम्मा का बैग नहीं। तो गाइस पहले ना मैं सारा का सारा ना यहाँ से क्लीन कर लेती हूँ, आरू का हमको मान लेकर गई थी ना, सारा यहीं बिखरा हुआ है, तो अभी इसको ऐसे डाल देती हूँ बैग में, क्योंकि कब जाना पड़ जाए इसके साथ पता नहीं चलता, तो हम इसको बैग ही ऐसे उठा के लेके चल देते हैं। इसके बैग के अंदर ना सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, बेचारा अकेला अकेला खेल रहा है, एक तो बेचारा सबसे छोटा है घर में, इसके साइज का कोई बच्चा ही नहीं है ना, इसे थोड़ा बहुत बड़ा बच्चा, सब बड़े बड़े हैं तो ये अकेला रह जाता है, तो अपने टॉयज से अकेला ही खेलना सीख रहा है। बस मुझे डर है कि बड़े होके ना इंट्रोवर्ट ना बन जाए, क्योंकि अकेला अकेला रहता है ना, तो जो अकेले रहते हैं ना बच्चे वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी इंट्रोवर्ट ही हूँ बहुत ज़्यादा, बस ये ना बन जाए इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट नहीं बनना ठीक है, इसलिए ना मैं इसको पार्क वगैरह भी घुमाने लेकर जाती हूँ कि दोस्तों से दोस्ती करेगा, अब नीचे बच्चे दिखेंगे, कहीं घर में रह रहे के इंट्रोवर्ट ना बन जाए। बड़ी मज़े की है, ये देखो इसको भी इमली चाहिए, डू यू वांट इमली, आ गया, देखो दूध उबलना रख दिया, अब मैं रात का काम करने लगी, क्योंकि दिन तो पता ही नहीं कहाँ चला गया, मतलब हम लोग सोते सोते पूरा दिन निकल गया, क्योंकि आरू भी थका हुआ था, अगर मैं वहाँ से उठ जाती ना तो आरू सोता ही नहीं है, फिर हमारा दिन तो ऐसे ही निकल गया पूरा का पूरा, सोते सोते कुछ नहीं किया हमने, मतलब अभी शाम को थोड़ा बहुत करने लगे हैं। अब दूध उबलने रख दिया मैंने, आरू की बॉटल उबलने रख देती हूँ उधर, और इधर आरू का फीडिंग के लिए बना देती हूँ कुछ थोड़ा, इधर था कर रहा है शैतानी बहुत ज़्यादा, ऐसे देख रहे हो इतने ड्रामे करता है ना ये लड़का, मैं काम कर रही हूँ ये देखो इसने सारा का सारा वहाँ के पैकेट वगैरह उठा उठा के फेंक दी। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं ना कि दीदी आप अथर्व को कैसे अकेले मैनेज करती हो, और अपने प्रोफेशन को भी कैसे मैनेज करती हो, और कैसे मैनेज करती हो अथर्व को भी, और अपने घर के कामों को भी, और अपने प्रोफेशन को भी। तो गाइस मुझे ना सच बता रही हूँ, इसको एक तो ये वॉकर मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है, मैं इसको वॉकर में उठा देती हूँ और घूमता रहता है, थोड़ा सा सामान तो इधर उधर करता है बट मैं बाद में उठा कर रख देती हूँ, क्योंकि अकेले से कहाँ छोड़ूँ मैं बैठाने के लिए, ठीक है, और प्लस मैं साथ ही साथ ये घूमता रहता है, ये वॉकर की वजह से ही मैं कर पाती हूँ अगर मैं अकेले रहती हूँ तो। अगर घर में कोई और रहता है तो मम्मी इसको खिलाती रहती है, इतने मैं अपने काम वगैरह कर लेती हूँ, या पापा खिलाते रहते हैं, मम्मी मेरे इस काम के लिए, मतलब जब मैं काम करती हूँ तो मम्मी ही संभालती है उसको, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट कई बार ऐसा होता है जैसे मम्मी कहीं होती नहीं है तो काम से जाती हैं, वो भी अपना खुद का काम करती हैं, तो उस टाइम पर मैं आरू को वॉकर में बिठा देती हूँ और ये घूमता रहता है सारे में, तो ये वॉकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसे मैं मैनेज करती हूँ अथर्व को, काम को, और घर के काम को, और अपने प्रोफेशन को भी, समझ में, और स्टडीज़ को भी। स्टडीज़ में जब मैं करती हूँ ना तो मैं आरू को उसके सारे के सारे टॉयज उसके बेड पे डाल देती हूँ,
वो खेलता रहता है, मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करती रहती हूँ। गाइस मैंने इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा और ये देखो ये घर को फैलाता तो है इस वॉकर के साथ, बट यार मेरे लिए तो ये लाइफ सेवर है वॉकर, क्योंकि इसमें बैठा देती हूँ फिर मुझे डर खत्म हो जाता है कि इसके चोट लगेगी। ये एक सामान तो बिखेरेगा लेकिन इसको चोट नहीं लगेगी वॉकर में, ये देखो, क्योंकि देखो उसमें ना तेल विल हो रहा है, मेरी मैया सब सामान बिखेर दिया। नहीं लगा बैठता नहीं है इसका स्टॉलर है ना, उसमें बैठता नहीं है, उठ उठ के भगता है वो, बस अब इसलिए रह गया कि बाहर घुमाने ले जाओ इसको खिंचू। और अभी रोने लगा, अब मुझे इसको लेना पड़ेगा, खाना बनी जाए। इधर गर्मी हो रही जानू, बहुत गर्मी है उधर, कहाँ हो गया आप, खेलो ना अपना, चलो रूम घर को भी खेल दो आप, मैं बाद में साफ कर लूँगी, जाओ। ये दूध तो हो गया, अब इसका पानी भी मानना है मुझे रात के लिए। अरे ये देखो मेरा गुज्जू, मेरा कुच्चू, मेरा कुच्चू। अभी गाइज ये ठीक है, तबीयत इसकी तबीयत में सुधार है। सो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अथर्व को इतना प्यार दिया, आरू के लिए इतनी ज़्यादा प्रे करी। मैंने कमेंट सेक्शन चेक करा था इसका जो ब्लॉग डाला था मैंने, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रे करी इसके लिए, थैंक यू सो मच। अथर्व की तबीयत में बहुत सुधार है ना, अब बुखार भी नहीं चढ़ा है इसको, बस हाँ थोड़ा चिड़चिड़ा है, वो तो एक दिन तक तो रहेगा, बट हाँ ठीक है अभी, है ना। थैंक यू बोलो सबको, नहीं बोल रहा भी छोटा है ना। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, और मेरा पूजा का सामान ना घी और बाती वगैरह मैं वहाँ लेकर गई थी ना देवता को पूजने के लिए, तो बैग में ही रखा हुआ, तो मैं वो भी लेकर जा रही हूँ। गाइस मेरी पूजा भी हो गई है, आरू भी यहीं पर पूजा करने आ गया था। तो गाइस मैंने अभी सब्जी देखी फ्रिज में, सब्जी क्या रात की सब्जी भी तो बनानी है खाना, तो अभी फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है। और गाइस हमने बहुत दिनों से बाहर का खाया, तो मन तो कर नहीं रहा आज बाहर का खाने का। फ्रिज में देखो कटी रखी है सब्जी, तो मैं सोच रही हूँ ना ये थोड़ा सा पनीर रखा फ्रिज में, एक दो पीस ही हैं, इसकी भुर्जी बना देती हूँ। मैं और अथर्व के पापा ही हैं तो हम दोनों के लिए तो इतना इनफ है, तो इसकी भुर्जी बना लेती हूँ मैं। पता अगर मैं अकेली होती ना तो मैं कुछ भी नहीं बनाती, बट अभी मैंने इसके पापा से पूछा कि मैं किस टाइम आओगे, तो वो कह रहे हैं कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो जल्दी आ जाएंगे ना तो फिर मैं बना लेती हूँ खाना, वरना मैं क्या करती बाहर से ऑर्डर कर लेती थोड़ा बहुत कुछ भी अपने लिए, बट अब भूमि है तो फिर मेरा मन भी नहीं था, पता मेरा कम मन कर रहा था बाहर का खाने का, तो फिर मैंने सोचा चलो पनीर की भुर्जी बना लेती हूँ। और गाइस खाना बनाते बनाते ना ये रोने लगा, फिर इसको गोदी में लेना पड़ा मुझे, फिर इसके साथ मैंने खाना बनाया। और आप लोग ना रेसिपी के लिए बोल रहे थे कि आप रेसिपी की वीडियो शेयर करो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि मैं किस किस चीज़ की रेसिपी की वीडियो शेयर करूं, क्योंकि यार अब तो मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बनानी आ गई है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आती, और बाकी तो मैंने खाना बनाना सीख लिया। आप लोग मुझे बताना आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। और ये देखो आरू को, तो गाइस देख लो ये बनाई है मैंने पनीर की रोटी, ये वाली सब्जी ना मैं सबसे पहले यही बनानी आई थी, और रोटी मैं जब ही बनाऊंगी जब से पापा आ जाएंगे, अरे बस सब्जी सब्जी रह गई, पापा के शर्ट खाना खाऊंगा मैं अभी ये तो अभी खा लेगा। गाइस हमारा सारा काम हो गया, हमने खाना भी बना लिया अपना, और आरू से देखो क्योंकि बहुत देर तक वॉकर पर रह गया ना अकेले, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, और उसकी दवाई का भी टाइम हो रहा है ना, उसको दवाई वाई दे देती हूँ। तो भाई इसके पापा का वेट करते करते ना अब 10:40 हो गया, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी क्योंकि मैंने ना सिर्फ ब्रेकफास्ट भी स्किप किया था, मैंने सिर्फ लंच किया था और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। अगर घर में कोई रहता है ना कुछ बना के खा लेते हैं, बट कोई नहीं था तो आलस आता है, खुद के लिए नहीं बनाया जाता खाना, तो मैं अभी वेट कर रही हूँ कि इसके पापा आ जाए तो ही रोटी बनाऊँ, क्योंकि मुझे भूख तो लग रही है लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि इसके पापा आएंगे तो ही रोटी बनाकर फिर खाऊंगी, और मुझे भूख भी लग रही है। मैं कॉल करके पूछती हूँ कितना टाइम लगेगा, एक तो हम दोनों अकेले हैं रात में, इतना मतलब ना मुझे ना डर लगता है, मैं ना अकेले स्टे नहीं कर पाती, बट अभी मजबूरी में ना 3-4 बार से मैं अकेले भी स्टे करना सीख गई, मतलब यही वाली बात है कि टाइम के साथ ना चीज़ें चेंज होती रहती है, मतलब धीरे धीरे ना हम सब चीज़ मैनेज करना सीख जाते हैं अपनी लाइफ के हिसाब से, कि जैसे जैसे हमारी लाइफ चलती है ना उस हिसाब से हम चीज़ें अरेंज करना सीख जाते हैं। सेम टू सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है, मैंने सारी चीज़ें मतलब मेरी शादी थी जल्दी, फिर मेरे को लगा था कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें मतलब बेबी को भी संभाल रही हूँ और घर के भी थोड़े बहुत काम है, व्लॉग वगैरह भी है, वीडियो भी है, सब लोगों ने मुझे बोला था कि बेबी जल्दी हो गया कुछ काम नहीं हो पाएगा अब, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे लाइफ चलती रहती है ना हम लोग वैसे ही आदत डाल लेते हैं, उस टाइप से ही हम लोग मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम मेरे साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं, और पहले मैं घर में अकेला बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी, घर में चाहे दिन भी हो रहा हो ना तब भी मुझे अकेला नहीं रह जाता था, और अब देखो रात की 11 बजने वाले हैं तब भी मैं अकेले स्टे कर रही हूँ, और शायद पता भी नहीं इसके पापा आए भी आज या नाइट लगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि 1% चांस हो सकता है कि मेरी नाइट भी लग जाए,
तो मैं कॉल करके पूछती हूँ कि कहीं मुझे रात भर अकेला ना रहना पड़ जाए। गाइस अभी इसके पापा से बात हुई, अभी वो कह रहे हैं कि मैं निकल रहा हूँ, अभी उनको आने में ही रास्ते का जो मैंने टाइम देखा अभी उनको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, मतलब वो 12:30 बजे तक आएंगे। तो यार इतने लेट नाइट तक हमें अकेले रहना पड़ेगा। जब तक अथर्व जगा हुआ था ना तो मैं उसके साथ लगी हुई थी, बट अभी अथर्व भी सो गया है तो अभी मैंने थोड़ी बहुत देर व्लॉग भी एडिट किया क्योंकि अब डेली पोस्ट करना पड़ता है ना, तो साथ ही साथ व्लॉग बनाते बनाते एडिट भी करती हूँ मैं, तो मैंने व्लॉग एडिट करा। बट अभी व्लॉग भी एडिट हो गया, अथर्व भी सो गया, घर का कुछ और काम भी नहीं बचा, तो अब मुझे लगना शुरू होगा डर। इससे पहले मुझे मतलब मुझे ना अकेले रहा नहीं जाता, पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ, मुझे डर लगता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, मतलब डरती नहीं थी, बट पता नहीं अब क्या हो गया मेरे को डर लगने लगा है। तो अभी मैं ये वाला व्लॉग तो एडिट हो गया, जो मैं क्लिप डालूंगी ना ये ऐड करूंगी, बाकी पूरा का पूरा व्लॉग एडिट हो गया जो मैं आप लोगों के साथ पोस्ट करूंगी। तो नेक्स्ट डे आप लोगों को दिन में मॉर्निंग में देखने को मिल जाता है, एक दिन पहले मैं शूट करती हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगी ना, मैं अभी अपना कोई भी मूवी वगैरह चला लूंगी ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए इधर से उधर, ये ना रहे कि हाँ मैं अकेली हूँ, वरना मैं डर जाऊंगी। गाइस मुझे ना आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करनी थी, मेरे जो व्लॉग हैं डेली 10 से 10:30 बजे के बीच में आ जाते हैं, डेली देखना बिल्कुल ना भूलें आप, 10 बजे ही नहीं तो 10:30 बजे तक तो बिल्कुल डन हो जाता है। कभी कभार ना आता थोड़ा इरीटेट हो जाता है या नेट नहीं चलता, तो 10-5 मिनट तो इधर उधर हो जाते हैं, वरना दस या साढ़े दस बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, इस टाइम अपना न्यू व्लॉग डाल देती। तो जो व्लॉग देखना चाहते हैं डेली मेरे, तो प्लीज़ चेकआउट करते रहिए। दादा अपने शक्ल दिखाओ, देखो कितनी लेट, ये ऐसी लाइट क्यों हो रही है? हाँ हो गया क्लियर, बहुत ब्लर आ रहा था। गाइस ऐसे लेट लेट आए करेंगे क्या? इतने लेट लेट क्या था? ड्यूटी करते हैं, अपना काम करते हैं।